हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तिशा का संसार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जिससे आप अपने शिशु के रंग को और भी गोरा और उनकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। नवजात शिशु के रंग को लेके बहुत से लोग परेशान रहते हैं, इसलिए आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा गोरा और सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे। मेरे इस नुस्खे को अपनाकर आप अपने प्यारे शिशु को और भी ज़्यादा गोरा और सबसे ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमें ये फॉर्मूला बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। बेसन के 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए, हल्दी 1 चुटकी, 1 बादाम, 5-6 चिरौंजी के दाने जिसे आप पीस कर उसका पेस्ट बना लें, बादाम का तेल 2 बूंद ले लीजिए, शहद 1 चम्मच ले लीजिए, जैतून का तेल 2 बूंद, दूध की मलाई 1 चम्मच ले लीजिए, गुलाब जल 2 से 3 बड़े चम्मच ले लीजिए। सभी सामग्री को मिलाकर अच्छी तरह उसका पतला घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। अच्छी तरह मिलाने के बाद यह पेस्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा और आप अब यह पेस्ट आपके बच्चे के शरीर पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको इसका असर पहले दिन से ही नज़र आने लगेगा दोस्तों। इसे छुड़ाने के लिए आप राई के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके 15 मिनट बाद अपने बच्चे को नहला दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।